Assalamualaikum, this is Mubashir Ali from Ali Mobile Reviews and we are here today for unboxing of Redmi 9A. तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली Redmi 9A की अनबॉक्सिंग की होगी. Redmi 9A जो है बेसिकली अपग्रेड है Redmi 8A की. एक लो लेवल का फ़ोन है, लो रेंज का फ़ोन है. मतलब एक पाकिस्तान की मार्केट में जो ऐसी रेंज जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारी मार्केट में, उस रेंज का ये फ़ोन है. तो सबसे पहले इसको करेंगे अनबॉक्स और देखेंगे इसमें क्या कुछ कंपनी की तरफ से अपग्रेड किया गया है. तो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग ऑफ Redmi 9A. जी तो हमने इसको अनबॉक्स कर लिया. सबसे पहले हमारे पास इसका वारंटी कार्ड आ जाता है. ये बेसिकली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और Xiaomi का हमारा जो फ़ोन है उसका मॉडल वगैरह एंटर होता है. उसके बाद बॉक्स की अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर हमारे पास बॉक्स के ऊपर जो है हमारे फ़ोन की पिक्चर आ जाती है. उसके बाद इसकी जो बेसिकली Redmi के जो फ़ोन्स होते हैं इन पे फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स बॉक्स पे नहीं दी जाती. जस्ट हमारी जो साइड होती है जहाँ पे IMEI की डिटेल होती है, यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट रैम एंड मेमोरी, उसकी डिटेल्स जस्ट दी जाती है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 GB या 32 GB. तो ये Redmi जो 9A है इसको हम अनबॉक्स कर देते हैं. उसके बाद इसके बाद मज़ीद इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. तो हमने इसको अनबॉक्स कर दिया है. सबसे पहले फ़ोन हमारे पास आ जाता है. Redmi का जो फ़ोन ये है बेसिकली आप मेरे पास देख सकते हैं 9A Redmi 9A है. ये जो हमारे पास ब्लू कलर है जो ये स्काई ब्लू है, बट इसमें आई थिंक 3 कलर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं. आई थिंक एक ब्लैक कलर होगा और एक ग्रीन कलर होगा और द थर्ड वन इज स्काई ब्लू जो मेरे पास आप देख सकते हैं. तो सबसे पहले फ़ोन को हम ऑन कर देते हैं. जब तक फ़ोन ऑन होता है हम इसके बॉक्स की तरफ जाते हैं कि इसके बॉक्स में और क्या दिया गया है. तो फ़ोन को हमने पावर ऑन कर दिया है. उसके बाद हम बॉक्स में देख देते हैं. सबसे पहले इसका अडाप्टर आ जाता है. इसका अडाप्टर की अगर बात करें तो अडाप्टर जो है इसका आई थिंक 10 वोल्ट का अडाप्टर है, ओके है. इसके बाद इसकी केबल आ जाती है, चार्जिंग केबल, जिससे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं. आप देख सकते हैं हैंड्स फ्री एज यूजुअल Redmi के फ़ोन्स के साथ नहीं होती, हैंड फ्री इसमें नहीं अवेलेबल. उसके बाद अगर इसकी ये जो बुकलेट्स हैं उनकी बात की जाए तो इसमें जस्ट बुकलेट्स हैं. मतलब ये तो आप देख सकते हैं बुकलेट्स आपने देख ली. इसके बाद इसकी सिम इंजेक्टर पिन आ जाती है जिसके जरिए हम सिम इंसर्ट कर सकते हैं और इसको प्रोवाइड कर सकते हैं. चलते हैं फ़ोन की तरफ. फ़ोन की अगर सबसे पहले बात करूं डिस्प्ले की, तो आप डिस्प्ले पे इसके हमें एक प्रोटेक्टर मिल जाता है जिस पे कि इसकी मैन स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं कि क्या कुछ फ़ोन में अवेलेबल है. इसको हम जो है सबसे पहले उतार देते हैं क्योंकि हम आगे चल के इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएंगे. तो फ़ोन पावर ऑन हो चुका है, हमने इस पर सेटअप भी कर दिया है. इसको हमने उतार दिया है. जी तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले साइज़ की, तो इट इज़ मच बेटर देन इट्स प्रीवियस जो 8A था उससे बहुत ही बड़ा डिस्प्ले हमारे पास आ जाता है. डिस्प्ले साइज़ जो इसका आप देख सकते हैं वो तकरीबन 6.53 इंचेस HD प्लस डिस्प्ले है. नॉर्मल जो फैशन आजकल चला हुआ है, जो फैशन है बेसिक कंपनीज का, काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो 6.5 इंच का डिस्प्ले मार्केट में दे रही हैं. तो Redmi ने भी बेसिकली इसी तरह किया है, 6.5 इंच का डिस्प्ले अपने एक इस फ़ोन में लॉन्च किया है. तो बेसिक अगर मैं इसकी प्राइस की तरफ जाऊं तो ये वाकई ही बहुत अच्छी प्राइस है. ये 14,600 रुपये में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, 6.5 इंच का फ़ोन Redmi का. 14,600 में इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब इट्स वेरी अट्रैक्टिव प्राइस. तो डिस्प्ले आपको मैंने बता दिया, इसका डिस्प्ले साइज़ आप देख सकते हैं 6.53 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले है. उसके बाद अगर मेन जो इसमें जो कॉमन चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो इसकी बैटरी है, वो कि 5000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है. 5000 mAh की बैटरी जो है वो बेसिकली 14 hours अगर गेमिंग की बात की तो राउंड अबाउट 14 hours हमें ये प्रोवाइड करती है गेमिंग के लिए. और अगर हम इसकी बात करेंगे इसके अलावा तो ये काफ़ी सारा, फॉर एग्जांपल अगर कॉल्स की बात करें तो 38 hours जो हैं वो जैसा कि कंपनी का कहना है कि 38 hours ये आपको लॉन्ग मतलब कॉल आपको प्रोवाइड कर सकता है. मज़ीद इसकी बात बारे में बात करने से पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें जो इसकी सिम है, सिम ट्रे है, वो बेसिकली हाइब्रिड है या कि हमें ट्रिपल स्लॉट दी जाती है. जी हाँ, इसमें एट अ टाइम डुअल सिम और मेमोरी कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह के फ़ोन जो 32 GB स्टोरेज के साथ फ़ोन होता है बेसिकली उसमें हमें मेमोरी कार्ड ज़रूरत पड़ता है कि 32 GB इट्स नॉट बिग स्टोरेज, ये बहुत जल्द फुल हो जाती है जो लोग यूज़ करते हैं स्टोरेज को. तो 32 GB स्टोरेज, 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज के साथ हमें मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है, हम मेमोरी कार्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं. इसके बारे में अगर मज़ीद बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है, ये जस्ट फेस अनलॉक इसमें यूज़ किया गया है.
इसमें फिंगरप्रिंट फिर आपको बता रहा हूँ कि नहीं है, इसमें सिर्फ फेस अनलॉक है। उसके बाद अगर मज़ीद इसके बारे में बात करूँ तो इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो मीडियाटेक G25 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। कैमरा की अगर बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको कैमरा इसको ऑन करके बता देता हूँ, आप देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल रियर इसका कैमरा है। इसमें मज़ीद नहीं, जस्ट सिंगल कैमरा यूज़ किया गया है। उसके बाद इसका इसके साथ इसके बैक पे जो है फ्लैश आ जाता है, सिंगल कैमरा और फ्लैश आ जाता है। 13 मेगापिक्सल का इसका कैमरा आ जाता है। अगर फ्रंट की बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यूज़ किया गया है। तो तकरीबन तमाम आपको मैंने जो है इसकी फीचर्स कोशिश की है कि आज की वीडियो में आपको बता दूं। तो आज की वीडियो यहां पे एंड होती है। एंड में आपको ये बताना चाहूंगा कि Redmi की तरफ से इतनी कम प्राइस में ये पहला फ़ोन है जो कि 14,600 में जो है 6.53 इंचेस का डिस्प्ले का फ़ोन 14,600 में पहला फ़ोन Redmi का है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है Redmi पाकिस्तान की मार्केट में। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अस्सलाम वालेकुम। एट द एंड आपको ये कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जो है बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।